एक बार फिर हम श्री श्री 1008 संत सकलूदास महाराज जी के आश्रम पे पहुंच चुके हैं। कुछ दिन पूर्व यहाँ का कवरेज हम आपको दिखा चुके हैं। आज इस आश्रम पे श्री कृष्ण भगवान का छठियारा मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ साधु संत महात्मा लोग बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए थे। दूर तक आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही होगी। काफ़ी लेट हो गया है, लोग यहाँ से प्रसाद पा करके जा चुके हैं, कुछ ही लोग यहाँ पे रुके हैं। आइए सबसे पहले आपको महाराज जी के दर्शन कराते हैं, उसके बाद लोगों से बात करेंगे, यहाँ आए हुए आगंतुकों से बात करेंगे कि किस प्रकार वो यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते का बेहद समस्या है, रास्ता यहाँ का ठीक नहीं है, मुश्किल से लोग पहुँचते हैं, तो लोगों से बात भी करेंगे। आइए पहले अंदर आपको महाराज जी के एक बार फिर दर्शन कराते हैं हम। देख सकते हैं महाराज जी सोए हुए हैं, आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, बदन पर आपको कपड़े नहीं दिख रहे होंगे। सामने महाराज जी की धुनी है। कुछ दिन पूर्व मैं आपको महाराज जी के भी दर्शन अपने चैनल के माध्यम से करा चुका हूं। जैसा कि मैंने बताया कि यहां श्री कृष्ण भगवान का छठियारा मनाया जा रहा है, हजारों लोग यहां प्रसाद पाने के लिए आए हुए हैं। महाराज जी के शिष्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। पहले यहाँ आए हुए लोगों से बात कर लेते हैं, लोग कहाँ से आए हैं और कैसे यहाँ की जानकारी मिली और यहाँ आने में उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस आश्रम पर आने के लिए, इस मंदिर पर आने के लिए रास्ता नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ एक सर मौजूद हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर जय गोविंद यादव। निवास कहाँ सर? उनवल से आए हैं हम। उनवल से आए हैं? उनवल से आए हैं। तो कैसे पता चला यहाँ भंडारा है? हमें महाराज जी के बारे में काफ़ी दिनों से जानकारी मिल रही थी, लेकिन दर्शन करने का सौभाग्य मुझे कुछ दिन पहले हुआ और जब से महाराज जी का पहली बार मुझे दर्शन हुआ उसके बाद से मैं, हमें लगता है 3 या 4 बार आ चुका हूँ और मुझे महाराज जी के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि 2 तारीख को यहाँ महाराज जी के वहाँ छठियारा मनाया जाएगा और आप लोग ज़रूर आइएगा। हमने महाराज जी का जो है निमंत्रण स्वीकार किया और वहाँ से हम लोग जो है लगभग 10-12 की संख्या में यहाँ आए हैं। अच्छा, 10 से 12 लोग? हाँ, 10 से 12। तो आश्रम तक कैसे पहुँचे? रास्ता तो थोड़ा सा, हाँ रास्ता तो थोड़ा कठिन है, लेकिन ये है कि मन में भाव था और संकल्प लिए थे हम लोग, महाराज जी का दर्शन करना है, थोड़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किया जाएगा। अच्छा, ऐसे संत महात्मा के आश्रम तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, इतनी कठिनाइयां लोगों को उठानी पड़ रही है, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? अब मैं चाहूँगा इसके लिए जो है बात किया जाएगा जी। थोड़ा सा किसी न किसी माध्यम से जी। चाहे मीडिया बंधु के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग बात किया जाएगा और ऊपर बैठे लोगों तक जो है इस संदेश को पहुंचाया जाएगा कि महाराज जी के आश्रम तक जो है आने के लिए अच्छे रास्ते का प्रबंध नहीं है, जबकि तमाम लोग यहाँ आते जाते हैं और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज तो हजारों की संख्या में जी 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 जी, इसके बहुत समस्या हुई होगी और आए दिन आने वाले लोगों को यहाँ आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसके लिए हम सब लोग मिल करके जहाँ से भी इसका समाधान हो पाए करने का काम किया जाएगा। महाराज जी के शिष्य से भी थोड़ा बात कर लेते हैं, इसके बाद लोगों से बात करेंगे, सबकी राय लेंगे, यहाँ रास्ता जी 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 जी। आ जाइए सामने, आ जाइए सामने, आ जाइए। आप कहाँ से हैं? माहोपार से ओम प्रकाश मौर्य बोल रहा हूँ जी। महाराज जी के कुटी पर आने के लिए पूरब से भी चक्रोट है और पश्चिम से भी सरकारी चक्रोट है, लेकिन सरकार की या यहाँ की जनता की नज़र नहीं पड़ रही है, जिसके वजह से यहाँ इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुटी के सटे पश्चिम चक्रोट है, अगर उसको बना दिया जाए, शासन बनवा दे, तो यहाँ आने जाने की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, आप तो इसी गांव के निवासी हैं, महाराज जी यहाँ कब से वास कर रहे हैं? महाराज जी 50 साल से ऊपर हो गया यहाँ वास कर रहे हैं, 50 साल हो गया, 45 साल से, तो जब से होशियार हुए हम खुद देख रहे हैं, इसके पहले से बाबा यहाँ निवास कर रहे हैं बाबा। और पूरब तरफ जो है सड़क है, अगर थोड़ी सी शासन व्यवस्था करवा दें तो अभी जो है चरपहिया यहाँ आने हो जाएगा, और सरकार ने रास्ता बना रखा है कागज में, लेकिन यहाँ मौके पर नहीं है, मतलब मौके पे जीर्ण सिर अवस्था में ही रास्ते पड़े हुए हैं। एक भाई साहब और हमारे साथ मौजूद हैं, आप कहाँ से हैं सर? हम गिरधरपुर से हैं, मेरा नाम अजय कनौजिया है और गिरधरपुर से हैं, और लगभग बाबा जी के वहाँ तो बहुत सालों से हम आ रहे हैं,
हाँ, जब से हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तभी से आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि प्रतिवर्ष साल में 4 बार 5 बार भंडारा होता है और कम से कम 8,000-10,000 लोगों का हुजूम लगा रहता है। अच्छा, इतने लोग खाते हैं यहाँ पे? इतने लोग खाते हैं और आप तो आज प्रतिदर्शी हैं। आज देखिए यहाँ पर जो है कि भजन कीर्तन चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और यहाँ पर जब भी आएंगे तो बाबा जी का सभी लोगों का ये आस्था है, लोग अपने मन में कुछ दृढ़ ये मन्नतें लेके भी आते हैं तो उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। और माहोपार हम तो जानते हैं कि सदगुरु भगवान जो है कि एकदम साक्षात भगवान हैं। यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष यहाँ पर देखें, महाराज जी की बात कर रहा हूँ, महाराज जी की बात, अलौकिक चीज़ें यहाँ देखने को मिला है। और मैं तो प्रतिदर्शी हूँ यहाँ पे जो है कि हम लोग जो गए यहाँ अंदर भी काम करते हैं कुटी के अंदर जो है, तो ऐसे ऐसे चीज़ देखने को मिला। एक महाराज जी का जो आसन है वहाँ पर हम पेंट कर रहे थे, इतना ज़बरदस्त, मतलब अब नाग कहें या कुछ भी कहें वो हम अपने आँख से देखे। और बाबा जी से कहे, हम डर गए तो बाबा जी कहे कि जो है अगर हिम्मत हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, जाओ बाहर जाओ। तो जब इतना हम सुने तो हमको अंदर से एकदम मतलब आत्मविश्वास जग गया। तो हम जो है कि कहे कि जब बाबा जी की, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं कर, तो बाहर से करने के बाद फिर यहाँ अंदर आए, अंदर आके अंदर काम करने लगे डर डर के। लेकिन हम ही नहीं थे, 3-4 लोग देखे और उसके बाद फिर कहीं अता पता नहीं चला। यहाँ जब बसपा की गवर्नमेंट थी, रामभुवाल निषाद जी आए थे और उनके साथ 5 गाड़ियाँ थीं, पांचों गाड़ी में लगभग 5-6 लोग बैठे थे। हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम कर रहे थे, 20-25 लोग कीर्तन भजन का कार्यक्रम कर रहे थे। तो अब यहाँ ज़्यादा समय ना, अब बाहर चलिए, बाकी मैं बाहर चलेंगे, बात करेंगे महाराज जी से। पहले मैं बात करना चाहूँगा महाराज जी, एक बाबा जी का कोई घड़ा है जिसमें से वो प्रसाद देते हैं ऐसा हमने सुना है, और कोई हाथ डालता है वो खाली होता है, महाराज जी जब भी हाथ डालते हैं कुछ ना कुछ निकलता है। जैसे आप बताए कि यह सत्य बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। वो घड़ा महाराज जी हम अपने दर्शकों को, नहीं सत्य सत्य है, नहीं ऐसा है कि वो जो है कि ऐसी बात नहीं है। वो जैसे अभी मास्टर साहब बताए हैं, ये सत्य बात है, बात समझ ना, किसी चीज़ को वो दिखाने वाली बात नहीं है। नहीं घड़ा अगर ऊपर से ही देख लेते हम लोग, दूर से ही नहीं, बात सुन, ठीक है, आइए आइए बाहर चलते हैं, बाहर लेकर के आते हैं। ये तमाम लोग आप चारों तरफ देख सकते हैं, एक से एक साधु संत महात्मा दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अभी मैंने अंदर आप लोगों से कुछ बात कराया, उनवल तक से लोग चल करके आए हैं और ये सभी लोग यहाँ आज छठियारे का प्रसाद पाने के लिए आए हैं। जी सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। उसमें कुछ बाकी था वो बता दें हम आपको पूरा यहाँ का जो। जी आप कुछ बता दें। हाँ, जो बसपा शासनकाल में रामभुवाल निषाद जी आए थे उस समय जो है वो कारागार मंत्री थे और उनके साथ 5 गाड़ियाँ थीं और पांचों गाड़ी में 6 लोग 7 लोग 5 लोग ऐसे लोग थे और हम लोग यहीं कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करने के उपरांत ये उसी समय आ गए वो लोग, तो ये हुआ कि बाबा जी कुछ लोग आगंतुक आए हैं तो कहे कि भई लाओ अंदर प्रसाद ले लें, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तो ये हुआ कि बाबा जी हम लोग 20-25 लोग की संख्या में कीर्तन भजन कर रहे हैं और वहीं बाटी चोखा दाल बना है। तो कहे अच्छा ठीक है, इन लोगों को ले के आओ। अब कुटी आप देख रहे हैं कम से कम 25-26 लोग 30 लोग आए, और कैसे उसमें एडजस्ट हो गए कुटी में, ये अलौकिक उसी जगह में उसी कुटी में एडजस्ट हो गए। उसके बाद बाबा कहे कि समय तो हो गया, 9 बज रहा था रात, और हम लोग जो है कि प्रसाद ये हुआ कीर्तन चल रहा था, प्रसाद तैयार एक तरफ हो रहा था, तो कहे कि अब आए हैं अपने दरवाजे पर उन लोगों को प्रसाद ग्रहण कराइए। तो ये हुआ बाबा जी, अब हम लोग 25 की संख्या में हैं, आई लोग खुद ही इतने लोग हैं, तो अच्छा ठीक है लाइए। तो ये हुआ कितना बना है? तो ये इतना ही है। तो कहे कि अच्छा ठीक है लाओ देखा जाए। तो उसमें से थोड़ा बाटी है चोखा वगैरह लेके आएगा, तो कहे कि अच्छा ठीक है काम करो कि इन लोगों को पहले बैठाओ, ये लोग अपने यहाँ आगंतुक हैं, हाँ आए हैं, इन लोगों को पहले एक एक करके प्रसाद दो। एक एक लोगों को ऐसे करके एक एक बाटी करके चोखा दाल दिया गया और सभी लोग पूरा तृप्त हो गए, और उसके बाद हम लोग भी तृप्त हुए। उसके बाद भी लास्ट में एक बाटी और चोखा दाल अभी बचा था। अच्छा। सभी लोग पाने के बाद, तो ये बाबा जी की असीम कृपा है। अच्छा, ऐसे 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 जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं उसके बाद भी यहाँ का रास्ता ना बनना, ये बाबा जी जो है कि
अब इसमें कहना नहीं है कि सच्चे साधक है, साधु है, संत महात्मा है, उन्होंने कहा था उस समय राम भुआल निषाद ने कहा कि बाबा जी आप स्कूटी में रह रहे हैं, हम आपको, इन्होंने कहा कि मैं संत महात्मा ठहरा, मुझे बिल्डिंग की क्या ज़रूरत है। उनकी गाड़ी जब आई तो इधर से आई चवरिया रास्ते से, ये कहे कि यहाँ रास्ते की ये दिक्कत है, कहे कि यहाँ पे जो भी जिसको श्रद्धा होगी वो रास्ता रहे न रहे, पहाड़ रहे नाली रहे, जो जिसको श्रद्धा रहेगी वो आएगा। हाँ, तो बाबा जी की ये बातें थी, लेकिन आज के परिवेश में बाबा जी तो संत ठहरे, लेकिन जो श्रद्धालु हैं बाबा जी के प्रति समर्पित हैं, उन लोगों को आवागमन का जो है कि बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद, विधायक, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, सभी लोगों को इसमें लगना चाहिए।